दिवेर के प्रलयंकारी युद्ध में महाराणा प्रताप के सामने मुगल सेना ने कर दिया था आत्मसमर्पण। हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुए कई युद्धों की शुरुआत भर था, लेकिन दिवेर के युद्ध के बारे में कम ही लोग जानते हैं। हल्दीघाटी के बाद महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुए इस युद्ध को अंग्रेजों ने कहा था, यह है मैराथन ऑफ मेवाड़। हल्दीघाटी के बाद अक्टूबर 1582 में दिवेर का प्रलयंकारी महायुद्ध हुआ था। इतिहास में दर्ज है कि 18 जून 1576 में हुए हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अकबर ने महाराणा को पकड़ने या मारने के लिए 1577 से 1582 के बीच कई अभियान चलाए, जिसमें करीब 1,00,000 सैन्य बल भेजे गए थे। अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा है कि हल्दीघाटी युद्ध का दूसरा भाग, जिसको उन्होंने बैटल ऑफ दिवेर कहा है, मुगल बादशाह के लिए एक करारी हार सिद्ध हुआ था। इतिहासकार कर्नल टॉड ने अपनी किताब में जहां हल्दीघाटी को थर्मोपली ऑफ मेवाड़ की संज्ञा दी है, वहीं दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया है। यह युद्ध यूनान के कैमिल्टियार्ड्स एवं फारस के डेरियस की तरह था, जो 490 ईस्वी पूर्व मैराथन नामक स्थान पर हुआ था। कर्नल टॉड ने महाराणा प्रताप और उनकी सेना के शौर्य युद्ध कुशलता को स्पार्टा के योद्धाओं सा वीर बताते हुए लिखा है कि वे युद्ध भूमि में अपने से 4 गुना बड़ी सेना से भी नहीं डरते थे। दिवेर के युद्ध की योजना महाराणा प्रताप ने अरावली स्थित मानकी आवास के जंगलों में बनाई थी। भामा शाह द्वारा मिली राशि से उन्होंने एक बड़ी फौज तैयार कर ली थी। भील, राजपूत और स्थानीय निवासियों को प्रशिक्षित करके महाराणा ने एक गुरिल्ला सैनिक टुकड़ी तैयार की थी। बीहड़ जंगल, भटकाव भरे पहाड़ी रास्ते से अवगत इस टुकड़ी ने मुगल सेना की हालत खराब कर रखी थी। इस युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई करने वाला अकबर का चाचा सुल्तान खां था। विजयादशमी का दिन था और महाराणा ने अपनी नई संगठित सेना को 2 हिस्सों में विभाजित कर युद्ध का बिगुल फूंक दिया। एक टुकड़ी की कमान स्वयं महाराणा के हाथ में थी, तो दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। स्थानीय इतिहासकार बताते हैं कि महाराणा प्रताप की सेना ने राजकुमार अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर के शाही थाने पर हमला किया। कहते हैं कि इस भीषण युद्ध में प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगल सेनापति पर भाले का ऐसा वार किया कि भाला उसके शरीर और घोड़े को चीरता हुआ जमीन में जा धंसा और सेनापति मूर्ति की तरह एक जगह गड़ गया। उधर महाराणा प्रताप ने बहलोल खान के सिर पर इतनी ताकत से वार किया कि उसे घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट दिया। इस युद्ध के बाद यह कहावत बनी कि मेवाड़ के सैनिक सवार को एक ही वार में घोड़े समेत काट दिया करते हैं। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।